बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा खूबसूरत अभिनेत्री कही जाने वाली माधुरी दीक्षित के निधन की खबरें लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल कराई जा रही हैं। 55 वर्षीय माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी, पर इस वक्त बहुत ही बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है माधुरी दीक्षित के फैंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी माधुरी दीक्षित के फैन है तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें। बता दें कि अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी माधुरी एक समय पर इंडस्ट्री की जान हुआ करती थी और आज भी करोड़ों फैंस माधुरी को खूब पसंद भी करते हैं। दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, दिल जैसे फिल्मों में अपने एक्टिंग का लोहा मनवा कर माधुरी दीक्षित ने इंडस्ट्री में मुकाम हासिल किया था। बता दें कि इस वक्त माधुरी दीक्षित का निधन हो चुका है। इस तरीके की जानकारी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल कराई जा रही है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या सचमुच माधुरी दीक्षित अब हमारे बीच नहीं रही, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो का आखिर तक बने रहे। सबसे पहले आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित उन अभिनेत्रियों से बहुत ही अलग है जो सर्जरी का सहारा लिया करती है। उन अभिनेत्रियों से बहुत ज्यादा अलग है जो अपने उम्र छिपाने के लिए महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया करती हैं। माधुरी दीक्षित नेचुरल ब्यूटी पर बिलीव करती हैं और शायद यही वजह रही है कि आज भी वो आजकल की अभिनेत्रियों को खूबसूरती में खूब टक्कर देती हैं। बताया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित अपने डाइट और नेचुरल चीजों के ज्यादा करीब रहकर अपनी ब्यूटी को बरकरार रख पाई है। बताया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित अभी हाल फिलहाल में ही एक शूट में व्यस्त थी, वहीं पर उनको स्किन की प्रॉब्लम हुई, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। बताया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित ने गलती से किसी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर लिया था जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि माधुरी दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि ये खबरें पूरी तरीके से झूठी है और माधुरी दीक्षित के रिलेटिव्स का कहना है कि माधुरी अब पूरी तरीके से ठीक है। हालांकि आपको बता दें कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने यहाँ तक के कह दिया कि माधुरी दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि ये खबरें पूरी तरीके से गलत हैं। दोस्तों, अगर आप भी माधुरी दीक्षित के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कमेंट में गेट वेल सून जरूर लिख दें, क्योंकि अभी भी माधुरी दीक्षित हॉस्पिटलाइज्ड जरूर है मगर वो हमारे साथ है। जिन लोगों ने भी इस तरीके की अफवाहें फैलाई है उनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कॉमेंट के जरिए अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।